बिहार में महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है। इसके खिलाफ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने आज बिहार में राजभवन मार्च किया। इस दौरान महिला उत्पीड़न के खिलाफ हम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तीखी नारेबाजी की तथा महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए। मुजफ्फरपुर जिले के औराई में घटिया पुलिया सह सड़क निर्माण के खिलाफ ग्रामीणों में नाराजगी है। आज यहां पर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। इस मामले में ग्रामीणों की शिकायत के बाद मौके पर औराई के प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे तथा काफी समझाने बुझाने के बाद लोगों को शांत कराया जा सका। आइए हम करते हैं कुछ नया। जी हाँ, अगर आप भी अपने समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करें। राजधानी पटना में हम पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज संत गोडसे की जयंती मनाई गई। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अपने माता पिता के यहाँ से 29 वर्ष की उम्र में और बुद्ध भी 29 साल की उम्र में अपना घर द्वार छोड़ दिया था और ये सब जगह घूम घूम के लोगों को स्वच्छता की पाठ पढ़ाते थे। इनका मूल मंत्र था, अस्पृश्यता को त्यागो और भाईचारा को अपनाओ, ये नारा था इनका। और जहाँ कहीं भी जाते थे वो साफ सफाई करते थे और इसीलिए इसको गाड़गे बाबा भी कहते थे लोग, क्योंकि उसके हाथ में एक लोटा रहता था और जिस गली मोहल्ला जहाँ जिस गांव में जाते थे तो वहाँ यही काम करते थे। एक बार साबरमती में वो पहुँच गए और साबरमती में गांधी जी बाद में लौट के आए तो उन्होंने कहा कि क्या यहाँ संत गाड़गे बाबा आए थे क्या, क्यों? तो उन्होंने देखा कि पूरा वो जो साबरमती आश्रम था पूरा चकचक कर रहा था। तो ये जो आप स्वच्छता अभियान चल रहा है, महाराष्ट्र सरकार बहुत पहले से चला रही है इनके नाम पर स्वच्छता अभियान, और ये जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जो लागू किया है ये उन्हीं की देन है और महाराष्ट्र में आज घर घर में इसकी पूजा हो रही होगी। इनका था कि अगर बच्चे को पढ़ाओ, अगर तुम्हारे घर में थाली है और थाली बेचना पड़े तो थाली बेच दो और अंजुली पर खाओ, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाओ। शिक्षा पर बहुत जोर देते थे और इनके समकालीन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी इनसे छोटे थे और वो भी इनको बहुत मानते थे। और एक बार ये बाबा साहब ने खुद इनके पत्तल में खाना खाया था महाराष्ट्र में, इसलिए वो कहते थे बाबा साहब भी कि भाई संत गाड़गे महान व्यक्ति है। और इतनी दोनों में लगाव था कि जब वो डेथ किए थे 1956 में 14 को, तो 20 तारीख को इनका भी डेथ हो गया था, यही इसके लगाव था। और हम लोग आज उनके बताए रास्ते पर हमको चलना है और हर अपने बच्चे को पढ़ाना है और कुरीति समाज से मिटाना। कुछ दिन पहले आपको जितेंद्र मांझी जी की उपस्थिति में आपको बिहार प्रदेश का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, इस विषय में संगठन पे क्या कहेंगे? कुछ दिन पहले नहीं, कल की घटना है और कल उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र मांझी जी ने मुझे प्रदेश का प्रभार दिया है और हम शुरू से ही संगठन के काम को देखते रहे हैं, इसलिए कोई मेरी नई बात नहीं होगी। लेकिन अब ये धारदार होगा क्योंकि अब एक जो हमारा दलित फोकस है और हमारे नियुक्ति पत्र में भी ये लिखा हुआ कि ये दलित उत्थान की बारे बात आप के तो मद्देनज़र रखते हुए आपकी ये आपको मनोनीत किया जाता है, तो दलित हमारे पार्टी का मुख्य मुद्दा होगा और इसी की लड़ाई हम लड़ेंगे। और सब पूरे बिहार के दलितों से मैं ये कहता हूँ कि जो जहाँ भी हैं वो छोड़ करके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में आए और इसको इतनी धार दें कि बिहार की जनता देखे कि दलित कैसे काम करता है और दलित का कैसे राज। आइए हम करते हैं कुछ नया। जी हाँ, अगर आप भी अपने समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करें।